तुमसे कोई मिलने आया है। अर्जुन, जरूर अर्जुन आया होगा, उसने मुझे माफ कर दिया होगा। जानती थी अर्जुन, अर्जुन मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझसे मिलने जरूर आएगा, मुझे लेने जरूर आएगा। तुम क्या हुआ आंटी, आप किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? अर्जुन, अर्जुन कहाँ है? अर्जुन क्यों नहीं आया? तुम अकेली क्यों आई हो? अर्जुन को क्यों नहीं लेकर आई? प्लीज रिलैक्स आंटी, प्लीज आप एक बार बैठ जाओ प्लीज। अर्जुन आप पहले बैठ जाओ। अर्जुन कैसे आएगा आंटी, उसने अभी तक आपको माफ नहीं किया है। एक्चुअली आंटी, मैं यहाँ आपसे हेल्प मांगने आई हूँ। मजाक कर रही हो या हंसी उड़ा रही हो? मैं यहाँ जेल में बैठ के तुम्हारी क्या मदद करूँगी? आंटी आप कर सकती हैं और यहीं बैठकर कर सकती हैं, और ये सिर्फ मेरे लिए हेल्प नहीं होगी, ये आपके खुद के लिए भी एक हेल्प होगी। रियली? कैसे? आपको क्या लगता है आंटी, अर्जुन यहाँ क्यों नहीं आया? काशवी की वजह से, क्योंकि वो काशवी के अलावा और कुछ सोच ही नहीं रहा है, वो वहीं अटका हुआ है, बस काशवी 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 और कुछ नहीं सोच रहा है वो। जब से काशवी उसे छोड़ के गई है, तब से अर्जुन के दिमाग में सिर्फ गिल्ट और चीट का प्रेशर है, उसी के बारे में सोच रहा है, उसके अलावा और कुछ दिमाग में ही नहीं है उसके। इसी वजह से वो ना तो आपके बारे में सोच रहा है ना मेरे बारे में। मैंने क्या कुछ नहीं किया आंटी अर्जुन के साथ रहने के लिए, इनफैक्ट उसके सूप में मैंने नशीली दवाई भी मिला दी थी और उसे ये भी बिलीव करवा दिया कि हम दोनों साथ में सोए हैं। उसके दिमाग से काशवी जा ही नहीं रही। सिर्फ मुझे जस्ट ये बताओ कि मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? आंटी एक आइडिया चाहिए मुझे, आइडिया, ऐसा प्लान कि जिससे अर्जुन मेरा हो जाए और अर्जुन मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। और इससे मुझे क्या मिलेगा? मिलेगा ना आंटी, आप खुद ही सोचो ना, अगर एक बार अर्जुन मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया और मेरा हो गया तो फिर मैं आपके लिए बेस्ट लॉयर हायर करूंगी और आपकी बेल करवा लूंगी। एनीवे आपकी केस की सुनवाई तो कल ही है ना, तो मैं ये केस पूरा उल्टा घुमा दूंगी। एक बार अर्जुन मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया तो मैं उसे मना लूंगी कि वो आपको जेल से बाहर निकलवाए, और फिर मैं आपको जेल से बाहर निकलवा दूंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। हाँ मुझे याद है, मुझे मुझे चक्कर आ रहे थे और बहुत बेचैनी भी हो रही थी, उसके बाद याद नहीं है कुछ। डोंट वरी, आप अच्छी हो जाएगी। मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है, आप प्रेग्नेंट है। माँ बनने वाली है, तूने अर्जुन को ये बात बताई तो है ना? डॉक्टर ने मुझे शाम को फिर से सोनोग्राफी के लिए बुलाया, उसके बाद मैं सोचती हूँ इस बारे में। डॉक्टर ने मुझे सोनोग्राफी के लिए आज बुलाया है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।